मोहन सिंह। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, आपको बताते हैं जहां पर देहरादून में ऑटो टैक्सी चालक बोले, आज तक किसी सरकार ने ऑटो टैक्सी चालकों से बात नहीं की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने हरिद्वार दौरे में ऑटो टैक्सी चालकों से सीधा संवाद किया था, वहीं ऑटो चालकों ने अपनी समस्याओं को सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने रखा था। आपको बता दें, जिसके बाद ऑटो टैक्सी चालक बोले, सीएम अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सीधे ऑटो वालों से संवाद के लिए पहुंचे। ऑटो चालकों ने सीएम केजरीवाल का बहुत आभार जताया। केजरीवाल ने जो कुछ टैक्सी ऑटो चालक इन लोगों के लिए सोचा है, आज तक इतने सालों में किसी भी सरकार ने हम लोगों के प्रति सोचा नहीं था। हम अरविंद केजरीवाल के बहुत बहुत आभारी हैं। उन अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो यहाँ हो जाएगा जी, ऐसे ही बढ़िया काम करेंगे। दिल्ली में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अभी केजरीवाल। ऑटो वालों को बहुत सुविधा है, हर महीने 5,000 रुपये दे दिए उन्होंने ऑटो वालों को, और दवाई पवाई सब फ्री में है ही वहाँ, वो तो सभी को पता। सरकार ने, केजरीवाल ने काम सारे अच्छे कर रखे अभी तक, जितने भी काम लगे हमें, अस्पताल, शिक्षा, पढ़ाई, ये सारे केजरीवाल ने वादे पूरे करे। हम सोचते हैं कि भाई 100 रुपये लीटर डीजल हो गया, 90 हुआ, खैर 10 रुपये कम हुए डीजल से, हमारे पे बहुत फर्क पड़ रहा है इस चीज़ से। अगर वैसे जनता का तो यही है कहना कि भाई आम आदमी पार्टी कुछ काम करेगी तो वोट उन्हीं को दिया जाएगा, और हमारा कहना तो यही है कि आम आदमी पार्टी आएगी, अच्छा है, कुछ काम करेगी तो वोट भी उन्हें मिलेगा। फिर 2022 के ऑटो यूनियन का तो यही होगा कि सबको जो है वोट देना चाहिए उनको, अगर वो कुछ हमारे लिए सोचते हैं। तेल फर्क में ये है कि कुछ तो हुआ है, पहले 99 रुपये जा रहा था, अब इन्होंने 87 रुपये हो गया है, तो इससे तो थोड़ा कुछ तो फर्क पड़ा ही है। अब इन्होंने अपनी GST तो घटाई नहीं है, वो जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने करा है वही हुआ है। अगर यहाँ की सरकार भी कुछ कम करे तो कुछ और बेनिफिट हो। मैं ऐसा मैडम, हर जो पार्टी है उसका अपना अलग एजेंडा होता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस उत्तराखंड का ये है कि 21 साल और 9 मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा होगा बीजेपी के शासनकाल में 3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं, है ना। कभी भी अगर मार पड़ती है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर ही पड़ती है। अभी लॉकडाउन से पहले 62 रुपये लीटर डीजल था, आज की डेट में इन्होंने 99 किया, मतलब 100 समथिंग किराया हमारा सेम किराया था, उस टाइम भी वही किराया था, आज की डेट में भी वही किराया। इन्होंने कहा हमने डीजल कम कर दिया, मतलब 40 रुपये बढ़ाए और 12 रुपये घटाए। तो ट्रांसपोर्टर तो हर जगह ट्रांसपोर्टर ही मारा जाता है, केवल एक चीज़ में रेट बढ़ते हैं डीजल पे, हर चीज़ में रेट बढ़ते हैं। सरसों का तेल किसी टाइम पे 90 रुपये 100 रुपये लीटर होता था, आज की डेट में 200 रुपये लीटर है ना। तो मारा जाता है ट्रांसपोर्टर ही है। अब ये कहते हैं 5,000 रुपये, हम तो ये कहते हैं मैडम कि हमें, अब इन्होंने टैक्स का टैक्स माफ़ किया उन्होंने, लेकिन 6 महीने का, मतलब इन्होंने टैक्स माफ़ किया 6 महीने का, 6 दिनों 12,000 रुपये, 6,000 साढ़े 6,000 समथिंग कुछ माफ़ किया। इंश्योरेंस माफ़ करते जो हमारे 30,000 32,000 का इंश्योरेंस है, अगर वो माफ़ होता तो हम कुछ सोचते भी, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं।